हमेशा रेडी टू गो रहते हो आप। तो कलर किया था वो कलर कहीं भी नहीं आया। विद अ न्यू ब्लॉग, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है फ्रेंड्स मेरा आज का सेकंड डे, और आज मेरे को जाना है हेयर वॉश कराने। तो मतलब आज हेयर वॉश के साथ साथ मैं कुछ और भी करवाऊँगी, तो वो भी देखना आज आप, ठीक है? और आपका अपडेट ज़रूर देखना, बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा गाइस अभी मेरे को निकलना है तो मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरा मंडे का फास्ट था, तो आज मेरा फास्ट नहीं है, तो अपना घर से ही खाना खा के जाऊँगी, मेरा एनर्जी लेवल फुल हाई करके। तो आज मेरे खाने में है रोटी, सब्जी है, सब्जी अरबी की सब्जी है, और ये है लस्सी, ठीक है? तो फटाफट मैं मेरा खाना खा लेती हूँ, अरबी की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, तो फटाफट खाना खा के फिर मैं आगे चलते। और ये देखो मेरे को ना ऐसे ही हेयर्स करके और फिर खाना ऐसे ऐसे करके, तो बस अभी मैं खाना खा के फटाफट निकलती हूँ फिर आगे चलती हूँ। तो गाइज अब मैं तैयार हूँ जाने के लिए, और मेरा बैग वैग सब कुछ तैयार है, सारा ज़रूरत का सामान ले लिया। बट हाँ एक बात माननी पड़ेगी, हेयर्स के बाद ना फटाफट सामान उठाया और अपना चल दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब जैसे हो वैसे निकल लो, हमेशा रेडी टू गो रहते हो। तो गाइज बस अब मैं सैलून में पहुंच गई थी, और आज मेरे को कराने थे हेयर हाइलाइट्स, तो बस वो भैया वही चेक कर रहे थे कौन कौन से कराने हैं मेरे को, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं कराने थे, बस कुछ स्ट्रिप्स करानी थी, तो इसलिए वो सामने रखे हैं ये शीट्स रखी हैं, फॉइल पेपर शीट्स। तो अब मेरे को कुछ कराना था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बैक से करा लेती हूँ हाइलाइट्स, और कुछ फ्रंट से और कुछ साइड से। तो बस अब वही था, ये साइड के लिए ले रहे थे कि कितनी स्ट्रिप्स करानी है, क्या क्या कराना है, तो ये साइड स्ट्रिप्स लेके सिंगल सिंगल, तो फिर इनका कराऊंगी मैं। और इसमें भी सिंगल स्ट्रिप्स नहीं है, ये इसमें भी क्या है छोटी छोटी सी पतली पतली सी स्ट्रिप्स हैं, वो होंगी, वो उन्होंने पहले ही ले ली, उसके बाद फिर इन्हें अच्छे से ड्राई किया था, ड्राई करने के बाद फिर कलर वगैरह लगाया था, जो भी हाइलाइट्स का कलर था ना वो कलर लगाया था, क्योंकि मैंने कलर ऐसा लिया था जो मतलब बालों पे भी सूट करे मेरे और अच्छा भी लगे, तो बस यही था। तो फॉइल पेपर नीचे रख के फिर उन्होंने हाइलाइट्स कलर लगाया, और फिर उसको फॉइल पेपर को रैप कर लिया। तो सेम ऐसे ही मैंने ये राइट था लेफ्ट में कराया और फिर बैक में कराया, तो शायद मेरी ना 4 से 5 स्ट्रिप थी, ज़्यादा नहीं कराई थी मैंने, तो बस यही था, 2 साइड में थी, 1 पीछे और ये ऐसे थी, ठीक है? तो ये मैंने कराया था, तो बस अब ये हो गया था। अब ये होने के बाद इसे हाफ़ आवर तक रखना था, हाफ़ आवर या 45 मिनट तक रखना था, उसके बाद फिर वो भैया बीच में आके चेक कर रहे थे कितना हुआ है, क्योंकि मेरे को इसमें ना 45 मिनट 60 मिनट अप्रोक्स हुआ था, टाइम लगा था, क्योंकि कलर को थोड़ा सा डाइल्यूट होने में टाइम लगता है, तो बस अब ये हुआ था। उसके बाद फिर बीच में आके एक बार फिर से उन्होंने हाईलाइट कलर यूज़ किया, क्योंकि उसमें कलर थोड़ा सा कम आया था, तो फिर उन्होंने वो कलर यूज़ किया, और ये देखो ऐसा कलर आया था मेरा, ये वाला कलर आया है, तो अब ये हेयर्स कलर होगा मेरा। इसके बाद फिर वॉश किया था उन्होंने एक बाउल लेके, उस बाउल में भी जो एक्स्ट्रा कलर था ना वो पहले निकाल के और फिर वॉश किया था, ये एक्स्ट्रा कलर निकल गया और ये ऐसा कलर आया था। मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था पता नहीं कैसा लगेगा कलर, कैसा लगेगा, बट हाँ उसके बाद जब वॉश हुआ ना, तो वॉश होने के बाद अच्छा लग रहा था। तो अब वॉश हुआ था कलर, तो वॉश करते टाइम पहले उन्होंने सिंपल वॉश किया था, और सिंपल वॉश करने के बाद भी और सिंपल वॉश करने के बाद फिर उन्होंने ये यूज़ किया था कलर डिपॉजिटर। इसमें क्या होगा, जो मैंने कलर रियली यूज़ किया था ना, मेन कलर था, वो आ जाएगा डिपॉजिटर यूज़ करने के बाद, और जो हेयर्स हैं वो ड्राई नहीं होंगे। तो ये डिपॉजिटर यूज़ किया था, मतलब जो स्ट्रिप्स थी ना ये स्ट्रिप्स पे ही यूज़ किया था, सिर्फ ज़्यादा कहीं यूज़ नहीं किया था, तो बस ये स्ट्रिप्स पे डिपॉजिटर यूज़ करके और फिर वॉश किया था। अब ये देखो ये वाला कलर आया है मेरे हेयर्स का, ये बैक का है और ये साइड का, दोनों साइड का, और शायद बैक में 2 स्ट्रिप्स थी मेरी, और अब इन्हें ड्राई कर रहे हैं। अभी मेरे को कलर किया था वो कलर कहीं भी नहीं आया, तो फिर भैया को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कलर फिर से करना पड़ेगा, ठीक है भैया? देखो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा कलर मेरे हेयर्स में, गुप्त कलर है मैडम, गुप्त कलर का क्या करूंगी मैं। जैसे एक लड़का को बोलता था ना हमारे पास कि ये कौन सा कट है, गुप्त कट है ये, तो कलर कहीं दिखाई भी तो देना चाहिए, कहाँ है मेरा कलर बताओ, हाइलाइट्स कहाँ गए मेरे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब दिखाई दे, कैसा लगा मेरा मजाक? देख तो मेरे पास, और अब यहाँ फ्रंट से शो हो रही थी मेरी हाइलाइट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने देखा ना तो उस टाइम पे फ्रंट में शो नहीं हो रही थी हाइलाइट्स कहाँ हैं, सिर्फ बैक की शो हो रही थी, और रियली बहुत अच्छा लग रहे थे मेरे हाइलाइट्स।